एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ मीनाक्षी मैम है और 3 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई है। इनसे जानेंगे कि नेट की तैयारी कैसे करना चाहिए और बिहार में बेट आने वाला है, बेट का आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, कब तक बेट आ सकता है, बेट का क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ए टू जेड जानेंगे, बेट के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी। मैम आपका स्वागत है एग्जाम टूर। थैंक यू सो मच। मैं सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है, और खासकर बिहार के लिए ये काफी प्लस पॉइंट होने वाला है कि काफी सालों के बाद बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास आ रहा है, और ये कंफर्मेशन बिहार गवर्नमेंट ने भी दे दी है। और जो लोग भी इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मैं बता देती हूँ कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए आ रही है, आपके लिए गोल्डन एरा साबित होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको यूजीसी नेट के पैटर्न पे ही तैयारी करनी है। सेम सिलेबस रहेगा, बिल्कुल सेम सिलेबस रहेगा, थोड़े से बिहार के पोर्शन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको वहां पे तैयारी की जरूरत है। और 2-3 चीजें मैं बताना चाहती हूँ कि बैट यूजीसी नेट से थोड़ा लो लेवल रहेगा तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको ये बैट देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं देने की आवश्यकता है। आप अगर मास्टर्स आपने क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद आप बैट क्वालिफाई करके आराम से आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और रही बात सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहले ये आपको बता देना चाहती हूँ कि पेपर 1 स्कोरिंग पेपर है। पेपर 1 में आपका कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिसमें कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ईवीएस, हायर एजुकेशन, इंडियन लॉजिक, NDI, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपकी पकड़ होने के बाद आप JRF के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। और अपना पेपर एक्चुअली क्या होता है ना सर, कि अपना पेपर सबका अच्छा होता है, लेकिन जो स्कोरिंग पेपर होते हैं ना वहां पे लोग मार खा जाते हैं और आपका रिजल्ट रुक जाता है। तो आप ये करके आसानी से अपना रिजल्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और पढ़ने का जहां तक बात है तो आपको ईमानदारी से 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, आप समझ रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई हो गया है। और एक दो बात स्टूडेंट्स को और कहना चाहूंगी कि अगर एक दिन आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप 13 स्टूडेंट की रेस से पीछे हट जाते हो, ये देखते हुए आपको पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बार का जो नेट JRF का रिजल्ट दिया गया, PSD का रिजल्ट आया, विद्यार्थी बहुत हतोत्साहित थे। कई सारे लोग इस पर आरोप भी लगा रहे हैं, NTA पर कह रहे हैं कि इतना 40% विद्यार्थी एग्जाम देने ही नहीं गए। कैसा इस बार का रिजल्ट रहा, आप भी तो क्वालिफाई किए जी। और रिजल्ट की जहां तक बात है तो JRF के बारे में मैं बताऊं तो 0.70 समथिंग, मतलब 1% भी आपका रिजल्ट नहीं रहा है JRF में। नेट क्वालिफाई करने वाले लगभग 4.5% लोग हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई करा है। हतोत्साहित होने की ज्यादा जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। एक्चुअली क्या है ना कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि ये चीजें हैं वहां पे कि हिंदी के अगर कोई क्वेश्चन एरर होते हैं तो आप वहां पे फाइट नहीं कर सकते। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये चीज है। मैं जरूर गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगी कि बिहार में अगर आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हो तो आपको दोनों माध्यम यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों को साथ लेकर चलना होगा, तब जाकर स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो सकता है। जो बिहार में बेट होगा उसको कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डिग्री होना चाहिए? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आवेदन वो कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, वो आराम से इस चीज अपीयरिंग वाले कर सकते हैं। अपीयरिंग वाले कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल तब होंगे जब उनके पास मास्टर्स की डिग्री होगी। तो मेरा ये मानना है कि जब आपने मास्टर्स कर लिया है तो आप बैट का एग्जामिनेशन दीजिए, और बैट का एग्जामिनेशन का फायदा PhD होल्डर को होगा जो पहले से PhD कर रहे हैं, जो नेट JRF क्वालिफाई है, और जो नहीं है उनको तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसको हाथ से नहीं गवाना आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी। नेट वाले विद्यार्थी जो इस बार 53,000 कहा जा रहा है कि 53,000 क्वालिफाई किए, लेकिन उनके ये हो रहा है कि उनको वेतन कोई फिक्स नहीं है, कितना मंथ मिलेगा, इस सब को थोड़ा देखिए। जैसे आप परमानेंट प्रोफेसर बनते हो तो आप सबको पता है कि परमानेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हो, तो स्टार्टिंग जो सैलरी होगी, क्योंकि आप जान रहे हो कि बिहार की स्थिति अभी ऐसी है कि 80% जो प्रोफेसर सेवन में, अपनी भी बात कर रही हूँ, हम सभी गेस्ट फैकल्टी में है, और गेस्ट फैकल्टी की सैलरी काफी ज्यादा कम होती है, हमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन बेट यानी कि जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने TRE के जरिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मौका दिया, और हमारे पास अभी एजुकेशन सिस्टम में अच्छे और मजबूत टीम है शिक्षकों की जो काम कर रही है। अब वही चीज
कॉलेज यानी कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के लिए भी जरूरत है। जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी सर वो काफी अच्छी होगी, यानी कि सेटिस्फेक्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से जो सैलरी का लेवल होगा वो लेवल 9 से शुरू होगा। यस, इस बार जो विद्यार्थी नेट क्वालिफाई नहीं किए, जीआरएफ क्वालिफाई नहीं किए, कई लोग पीएचडी किए, पीएचडी भी जो क्वालिफाई नहीं किए, बहुत सारे लोग ऐसे छट गए, उन लोगों को क्या कहिएगा, आगे जो एग्जाम होगा क्या क्या ध्यान रखना है? देखिए, आगे आपको ध्यान रखने की जरूरत ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि आपको 10 साल का पीवाईक्यू देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि 2019 का जो पैटर्न था और 2019 के बाद का जो पैटर्न है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि 2020 से लेकर 2024 तक के जो एग्जामिनेशन के पैटर्न है, आप पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। ये आपके 40-50% तक आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, यानी कि तैयारी के साथ साथ जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो उसमें इस 2020 से लेके 2024 यानी कि इस 5 साल का आपका पीवाईक्यू ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, जैसा कि मेरा अपना मानना है। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एक साल के लिए पीएचडी वैलिड होगा? जी, पीएचडी एक साल के लिए वैलिड होगा, नेट आपका आजीवन है और जीआरएफ 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। तो जो बीट वाले विद्यार्थी हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, कोई और जानकारी चाहिए, तो मैम का मैं फिर से एक इंटरव्यू करूंगा, तो आप अपना अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।